नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास विमर्श में आपको ले चलते हैं ग्वालियर के धार्मिक टूरिज्म पर, और आज आपके साथ जानेंगे सिंधिया राजवंश की कुल देवी मांडरे वाली माता अष्टभुजाधारी माँ महिषासुर मर्दिनी व छत्रपति शिवाजी की कुल देवी माँ तुलजा भवानी भेलसे वाली के संबंध में। दोनों प्राचीन मंदिर हैं और मराठा शैली में निर्मित हैं। दोनों मंदिरों के भवनों का स्थापत्य देखते ही बनता है। दरबार के सामने माँ की सवारी शेरों की प्रतिमाएं मिलती हैं। सजे संवरे ये भव्य मंदिर लुभावने लगते हैं। दोनों ही मंदिरों के मुख मंडप के सामने दो दीप शिखर हैं। यह ठीक वैसे ही हैं जैसे उज्जैन की माँ हर सिद्धि मंदिर पर मिलते हैं। नवरात्र और विशेष अवसरों पर यहाँ सैकड़ों दीपक जलाकर माँ की आराधना की जाती है। इनका महत्व तांत्रिक पूजा की दृष्टि से भी विशेष होता है। और आइए अब आपको ले चलते हैं भेलसे वाली माता के दरबार में। ग्वालियर के बहुड़ापुर जनकताल के पास माता भेलसे वाली का दरबार सजा हुआ है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक पुरानी गढ़ी में माता रानी अपने भव्य आभा मंडल के साथ विराजमान हैं। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष चहल पहल रहती है। यहाँ की सीढ़ी कहीं कहीं दरकी हुई हैं। द्वार के ऊपर खंडर होती हुई इमारतें वर्तमान में इसके प्रति प्रशासन की अनदेखी की ओर इशारा करती है। माँ का दरबार टिपिकल महाराष्ट्रीयन शैली का है। बड़े बड़े झूमर इसी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। भेलसे वाली माँ छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी तुलजा भवानी का स्वरूप ही हैं। महिषासुर मर्दिनी माँ का श्रृंगार महाराष्ट्रीयन शैली का है। माँ को 16 हाथ की मराठी साड़ी पहनाई जाती है। संवत 1905 में महाराजा जयराजीराव सिंधिया के सेनापति गोविंद राव विट्ठल ने भेलसा, जो वर्तमान में विदिशा है, पर आक्रमण कर वहाँ से मिले खजाने के साथ माँ तुलजा भवानी की प्रतिमा भी मिली, जिसे महाराज जयाजीराव ने जनकताल के नज़दीक पहाड़ी पर गढ़ी में स्थापित करा दिया। मंदिर पर पहुँचने के लिए 108 खड़ी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ नवरात्रों में विशेष मेले लगते हैं, जबकि गुप्त नवरात्र में भी श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट करते हैं। भेलसे वाली माँ और मांडरे वाली माँ, ये दोनों ही आज के दौर में उपेक्षित सी हैं। किसी समय यहाँ बहुत भव्य मेले लगा करते थे। आज बदलते परिवेश में लोगों की इन मंदिरों के प्रति रुचि कम हुई है, साथ ही साथ प्रशासन की रुचि भी इनके प्रति कम हुई है। इन मंदिरों को चाहें तो धार्मिक टूरिज्म की दृष्टि से महत्व देकर बढ़ाया जा सकता है, जहां सैकड़ों लोग धार्मिक कार्यों के दृष्टि से टूरिस्ट बनकर आ सकते हैं। इससे इन मंदिरों के रखरखाव, साथ ही साथ ग्वालियर नगर की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी लोगों को मिल सकेगी। ऐसे भव्य प्रासार में इन मंदिरों का होना अपने आप में अलौकिक है। हम सभी को मिलकर इस दिशा में काम अवश्य करना चाहिए। जैसे प्रत्येक राजवंश की एक कुलदेवी होती है, सिंधिया राजवंश की भी थी मांडरे वाली माता। अष्टभुजा वाली काली मैया सिंधिया राजवंश की कुलदेवी हैं। प्रत्येक नवीन कार्य से पूर्व सिंधिया राज परिवार के लोग मांडरे वाली माता के चरणों में मत्था टेकने हमेशा जाते रहे हैं। मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट है। मंदिर में विराजमान अष्टभुजा स्वरूपा देवी महिषासुर मर्दिनी मां महाकाली की प्रतिमा अद्भुत है।
मंदिर व जयविलास महल का मुख आमने सामने है। जयविलास से एक बड़ी दूरबीन के माध्यम से माता के दर्शन प्रतिदिन सिंधिया शासक करते थे। इस मंदिर का निर्माण महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की फौज के कर्नल आनंद राव मांडवे के कहने पर तत्कालीन सिंधिया महाराज ने करवाया था। सिंधिया राजवंश के शासक दौलत राव ने सर्वप्रथम मांडवे की माता वाली टेकरी पर अपना पड़ाव डाला था, जहां से सिंधिया महाराज द्वारा अपनी राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान की खोज प्रारंभ हुई। इतिहास विमर्श में आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में आपको ये सारी जानकारियां समय पर मिलती रहें, आप इतिहास विमर्श की सारी जानकारियों से परिचित हों, उसके लिए अगर आपने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑप्शन पर जाएं, जिससे सारी वीडियो और सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।